माय गॉड। और यहाँ पे वाटर स्नेक और किस तरह से बैग जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे हम लोग अपने टोंग के हिसाब से ही इसको कैच करेंगे। और खून खून कर दिया, ये इतना सारा इसका दांत दांत। और अभी अभी हम लोग जो है कि ये कटरा वाला जो है कि रोड है, और हम लोग कटरा मंदिर से अभी रेस्क्यू कर कर निकले हैं। उसके बाद हम लोग को जो है ये रामबाग फिर अभी पहुंचना है। रात्रि के करीबन 8 बज चुका है और वहां से कॉलिंग है, रामबाग में भी कोई सांप है। आज दिन भर हम लोग का जो है कि भागदौड़ भरी जिंदगी रही। चलिए अब रामबाग चौक चलते हैं, उसके बाद वहाँ पर चलकर आप लोग को जो है कि रूबरू कराते हैं। अभी हम लोग कटरा से जो है की चलते हैं। आप लोग तैयार नहीं है अंदर भागने के लिए? भागने के लिए भाई तो बोले भागने नहीं, पूरा भागने बनाइए ना। सरदार उनका कहना है ये सिलाब है। ए भैया नीचे आप ही लोग के सामने, ए देखिए पैर के पास है वो, यही है वो, ए देखे तो वही है ना। कहाँ आप कंफ्यूज कह कर रहे हैं मुझे, कहाँ आप देखते रहिए ना। भागने के लिए आप लोग तैयार हैं? हम तो देखे एकदम बैठा हुआ है, दिख गया उनको, देखिए उनको भी दिखे, देखिए टिक गया है। तो आप लोग क्या कह रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, क्योंकि ये सांप जो है कि बहुत ही उछल कर काटने में बहुत ही माहिर है। वाटर स्नेक इसे हम लोग गोरवा सांप कहते हैं। रुक जाइए बस यहाँ पे पैदा लिए। बस आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से, ओह माय गॉड। और यहाँ पे वाटर स्नेक और किस तरह से बैग जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे हम लोग अपने टोंग के हिसाब से ही इसको कैच करेंगे और पकड़ कर। चलिए निकला।
आ गए आ गए। कोशिश करता है ये हमेशा ये एकदम ये खून खून कर दिया ये इतना सारा इसका दांत दांत जो है ना बड़ा बेजदंत रहता है। बेजदंत नहीं मतलब कि दांत जो है ना बहुत ही तेज रहता है इसका हमेशा जो है कि। और अमूमन जब भी इसके साथ हम पकड़ने की कोशिश किए हैं तो ये सांप जो है अपने शरीर में भी जो है ना ये बाइट कर लेते हैं। जब तक ये बाइट कर लेता है ये देख सकते हैं यहाँ पे निकालने की कोशिश की। और ये क्या कह रहे हैं ये सांप का खून नहीं ये मतलब कि ये मेरा खून है और इसमें भी काट लिया कोई बात नहीं है। और इस सांप को हम लोग सही सलामत हम लोग रेस्क्यू कर लिया। और हाँ इस सांप से आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस सांप में जो है कि वेनम नहीं होता है। इस सांप में विष जो होता है ये पहचानने की कोशिश कर ले। ये सांप जब आप लोग अगर काट ले तो मैं इलाज ये नहीं कहूंगा कि आप इलाज मत करा लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये मुझे सांप काट लिया अगर इसमें विष होता तो हमको भी विष लग जाता। तो इस सांप में विष नहीं है ये मुझे 100% पक्का पता है। और ये आप लोग को भी मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोग को बताते रहता हूँ कि ये सांप अगर आप लोग को कभी काट ले तो कोई डरने की जरूरत नहीं क्योंकि देखिए विषैला सांप का जो है ना कि विषदंत जो है ना कि दो ही रहता है और इसका जो है ना दांत बहुत ही रहता है। और इसका दांत जो है कि बार बार बताने की आप लोग को कोशिश करते हैं कि इसका जो दांत जो है ना कि 6 लेयर में रहता है। क्या बोले 6 लेयर। देखिए 1 लेयर ये और दिखाते हैं देखिए ये अति कर रहा है और ये देखिए मतलब कि 6 ये देखिए 1 लेयर यहाँ भी दांत रहता है। ये आप दिखा ये देखिए यहाँ ये यहाँ पे ये बीचों बीच ये देखे हाँ एकदम देखिए ये देखिए बीचों बीच यहाँ पे जो है ना एक लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 5 और यहाँ पे 4 लेयर यहाँ रहता है 2 यहाँ पे रहता है 6 लेयर में इसका दांत रहता है क्योंकि ये आहार को जो है ना कि दबोचने के लिए। और विषैला सांप रहता है उसके पास दो ही दंत रहता है वो अपने आहार को जो है कि इंजेक्ट करता है और उसके बाद आहार जो है कि कहीं भी चला जाए उसके बाद जाकर आगे जाकर मर जाता है। उसके बाद विषैला सांप उसके पास जाता है उसके बाद उसको जो है कि अपने आहार को जो है कि अपने खाना के रूप में उसको जो है कि निकल लेता है। लेकिन ये सब सांप के पास जो है कि विष नहीं रहता है जिसके कारण ये अपने आहार को जो है कि कुंडली मारकर ये देख रहे हैं जिस तरह से इसी तरह से उसको कुंडली मार कर जो है ना कि अपने आहार को दबोचता है। और जस्ट लाइक बोले तो इस सांप को जो है कि हम लोग कुंडली मार सांप भी कहते हैं। चल टंगा भैया देख लो तो गाड़ी टंगा के दो चक्का हाँ इसके अंदर सांप रखते हैं क्या? जी हाँ कि ये सांप जो विषैला कोई भी सांप को अगर मुंह पकड़ते हैं तो उसके बाद जोड़ा में कैसे पैक किया जाता है वो भी आप लोग को दिखाते हैं। जो भी हमारे स्नैक एक्सपर्ट हैं उनको जो है कि ये बताने की जरूरत है। इस सांप को हम लोग जो है ये देखिए इसको हम लोग इस तरह से इसमें डाल देते हैं यहाँ डाल दिए और ये पूरा हाथ हमारा जो के अंदर चला गया। और ये देखिए ये इसका फेस मुंह और यहाँ से इसका हम मुंह पकड़ लिए और यहाँ से हम हाथ निकाल लिए। मतलब सांप पकड़ कर झोला में पैक करने का अगर हाथ से पकड़े हुए तो पैक करने का इससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। चलिए दोस्तों इसको सही सलामत इसको हम लोग रेस्क्यू कर लिए
और सही सलामत इसको हम लोग जंगल में जाकर छोड़, पानी में अपने तालाब में ही जाकर छोड़ देंगे, ताकि ये अपना जो है कि पानी का सांप है पानी में ही रहेगा और इसको सही सलामत उसमें रहेगा। इसको वाटर स्नेक बोलते हैं, इसे हम लोग ढोरवा सांप बोलते हैं। और इसे ही मान लीजिए कि हम लोग क्या कहते हैं, ये जो एनाकोंडा जो जंगल में मिलता है उसी का ये जो है कि एक छोटा प्रजाति हो गया। ये इसको जो है कि वैसा एनवायरमेंट मिल जाए तो ये भी जो है दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ना चालू कर देगा। चलिए आप लोग पानी मुझे हाथ धोने के लिए ले लीजिए।